गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं नए वीडियो में। तो आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे मल्टीपल्स के द्वारा, मतलब मल्टीपल्स के द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख चुके हैं और उससे पहले हम लोग डिवीजन मेथड से भी सीख चुके हैं, और आज मल्टीपल्स लिख करके तब एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखना। तो चलते हैं हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन है आपका 6 और 12, इसका एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड। तो मल्टीपल के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल जो होता है किसी भी नंबर का, वह उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता, उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब इनफिनाइट तक चला जाता, अनंत तक। तो अब जैसे हमको 6 और 12 का यहाँ एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ हम 6 लिए हैं तो 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इसी तरह डॉट 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 करते, क्योंकि यह मल्टीपल जो होता है कभी भी खत्म नहीं होने वाला होता। तो जो भी नंबर दिया रहे उसका मल्टीपल हम लिख लेंगे, 2, 4, 10 लिख करके उसका डॉट डॉट कर देना। अगला है आपका जो नंबर, वह है 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, तो इसका भी टेबल की तरह लिख लीजिए, 36 हो गया, 48 हो गया, 60, 72, 84 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है यहाँ पर, अब ध्यान देना है, जब हम मल्टीपल लिख चुके हों उसके बाद क्या करना है कि जो जो मल्टीपल दोनों में मिले, यानी यहाँ 2 नंबर है, अगर 3 नंबर आता तो 3 में देखते, यहाँ पर 2 ही नंबर है, इसलिए 2 नंबर का जो मल्टीपल है उसमें जो जो मल्टीपल आपका मिलता है, मतलब कॉमन मल्टीपल, उसको लिखिए सबसे पहले। सो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 और 12। अब क्या क्या आपका कॉमन है, देखिए 12 है जो दोनों में है, 12 लिखिए, उसके बाद आपका 24 है, 24 लिख लिए, उसके बाद 36 है आपका, 36 लिख लिए। अब इसके बाद आपका 48 है, 48 को लिख लीजिए, मतलब जो जो मिल जाए। और इसी तरह यह जब कॉमन मल्टीपल होगा आपका, यह भी एक टेबल के रूप में ही आएगा, यहाँ देखिए 12, 24, 36, 48, इसी तरह बढ़ता चला जाए, मतलब कम से कम हमको एक कॉमन मल्टीपल जरूर पता होना चाहिए एलसीएम निकालने के। अब है कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट होता है लघुत्तम, कॉमन उभयनिष्ठ मल्टीपल, मतलब गुणज या अपवर्त, मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल हो उसमें जो सबसे छोटा, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा है क्या, 12, तो यही एलसीएम हो जाएगा। हेयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ
6 and 12 equal to 12. So LCM of 6 and 12 equal to 12. यही आपका आंसर हो गया। तो इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका मल्टीपल लिख लेना है। तो मल्टीपल हम अपने इच्छा पर लिखते हैं, 5 10 जितना लिखना है उसका डॉट डॉट कर दीजिए। उसी तरह जो दूसरा नंबर है उसका भी लिख लेंगे। उस पर कॉमन मल्टीपल जो दोनों में हो, अगर तीन नंबर यहाँ रहता तीनों नंबर में देखते जो जो कॉमन होता मल्टीपल उसको लिख लेते। अब कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा मल्टीपल आपका, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में कॉमन मल्टीपल में 12 सबसे छोटा है मल्टीपल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए अब दूसरा तीन नंबर हम लेते हैं अलग अलग। अब जैसे 4, 6 और 8 का निकालना है मल्टीपल मेथड के द्वारा, नियम यही है। इसमें क्या करना है, केवल तीनों संख्या का मल्टीपल निकालना। अब तो मल्टीपल इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस तरह डॉट डॉट करते हैं। उसी तरह फिर मल्टीपल्स ऑफ आपका 6 है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 इस तरह डॉट डॉट कर दीजिए। थर्ड है नंबर आपका 8, 8, 16, 24, 32, 40 इस तरह डॉट कर दीजिए। अब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल इक्वल टू, अब देखिए ये तीनों नंबर का जो मल्टीपल है उसमें क्या कॉमन है, तो 24 तीनों में है तो 24। अब आगे आपको नहीं मिल रहा, जब इसको हम आगे बनाएंगे फिर अगला कॉमन मल्टीपल आपको मिलेगा। लेकिन नियम बता चुके हैं हम पहले ही कि एक नंबर भी अगर हमको कॉमन मिल जाता है तो उसका हम टेबल लिख देंगे आगे, तो वह उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो 24 है तो 24 का 48, 72 इस तरह डॉट डॉट। अगर इसको हम आगे और बढ़ाएंगे तो आपको 48 मिलेगा कॉमन मल्टीपल, उसके बाद फिर 72 मिलेगा, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कम से कम एक कॉमन मल्टीपल हमको जरूर लिखना है। अब हेयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू आपका 24 है तुम सब छोटा, सो एलसीएम ऑफ 4, 6 and 8 इक्वल टू 24, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीका से हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं मल्टीपल मेथड की सहायता से। तो आपके एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मल्टीपल लिख करके तब तो उसका एलसीएम निकालना है। तो चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 3 से ज़्यादा नंबर दिया है, प्रत्येक का क्या करना है आपको मल्टीपल निकाल करके उसके बाद कॉमन मल्टीपल लिखना है जो सब में मिले, और कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा उसको लिखना है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब जो समापवर्त्य वह अनिष्ट अपवर्त्य होता है उसमें जो सबसे छोटा हो वही एलसीएम होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग घर पर बैठ कर के और एक्सरसाइज बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है जो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है एलसीएम और एलसीएफ में जो
संबंध दिया हुआ है फॉर्मूला पर, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित।